सम्राट चौधरी जी को तो शुक्रिया अदा हमको करना चाहिए कि हमारी वजह से वो माने बन गए, माने उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष। कोई भी कार्य चले, इस बार जनता नष्ट कर लिया है भाजपा का, छोड़ने वाली जनता नहीं। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, भाजपा की नींद हराम है, समझ रहे हैं कि एकमात्र नेता नीतीश जी हैं कि सबों को गोलबंद कर। जदयू क्या, जदयू ने हमने तो अपने आपको कहा ना कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सबों का अधिकार है। हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है, लगातार वो समाज और देश के बांटने ही लगे हुए, लोग को भ्रमाने ही लगे हुए। आप इसी तरह देखे होंगे उत्तर प्रदेश में भी, नहीं सुनने में आया होगा कि हमारे समाज से कोई मुख्यमंत्री बन रहे थे, क्या हुआ, कहाँ से आगे जोगी जी देखना चाहिए। तो सम्राट चौधरी जी भी इस बात को समझते हैं। सम्राट चौधरी जी को तो शुक्रिया अदा हमको करना चाहिए कि हमारी वजह से माने बन गए, माने उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन जो भी भाजपा खेल खेले, जाति समाज धर्म जात कोई भी चीज़ खेल ले, भाजपा खेल कार्ड कोई भी कार्ड चले, इस बार जनता नष्ट कर लिया है भाजपा का, छोड़ने वाली जनता नहीं। जनता 2024 में ही आप देख रहे हैं काहे बेचैनी है, काहे हताश है भाजपा, क्यों बेचैनी। जब से महागठबंधन की सरकार बनी है भाजपा की नींद हराम हो गया, उसका एक ही कारण है कि समझ रहे हैं कि एकमात्र नेता नीतीश जी हैं कि सबों को गोलबंद कर सकते हैं। आज उनके गोलबंद में लगे हैं, उन्होंने संकल्प लिया है, तमाम जो विपक्षी पार्टी हैं सभी जो भी भाजपा विरोधी मत हैं सब मत को एक जगह कर देते हैं। तो 70% तो समझते हैं कि कहाँ 70% है, कहाँ 30% है, उसी से वो सब आंकड़ा निकाल रहे हैं और पता चल जाएगा। तो सर आपका क्या कहना है कि जिस तरीके से केशव मौर्य को शुरू में बैठा गया था कुछ ऐसा ही हाल सब, अरे काहे खुलवा रहे हैं आप बताइए ना, क्या ऐसा ही कुछ होगा, क्यों खुलवा रहे हैं। एक आदमी अभी मैं उनका जो है अभी कुछ दिन पहले आप देखे किस तरह से उन्होंने कहा, कुशवाहा जी जो बोले रहे थे उनके दांत सुने, विरासत बचा रहे थे, किस विरासत की बात करते हैं और कहाँ चले गए, जिनको आज़ादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं उनके गोद में जाके खेल रहे थे और आज तो क्लियर कर दिए कि हमको कहाँ जाना है। तो कौन विरासत बचा रहे हैं, जो समाजवाद का यहाँ विरासत है उस विरासत को तो आप कहाँ तार तार कर दिए। सब लोग सबकी बात समझते हैं। शिक्षा मंत्री आपके बोले हैं जैसे अडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, बागेश्वर बाबा को भी है, अगर पटना आएंगे तो उनको वही हंसना होगा। अरे भाई हमारे देखिए इस पर हम देखिए हमारे नेता जो है किसी जाति धर्म के नाम पर राजनीतिक नहीं करते, उनको बिहार की जनता तमाम जो बिहार की जनता है सबके लिए चिंतित रहते हैं, सबके लिए काम करते हैं। और हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सभी धर्मों का सम्मान है, तो सब लोग का सम्मान है, हम लोग इसके फेर में नहीं रहते। जहाँ आप इशारा कर रहे हैं कुछ नहीं, अब हर लोग के बात पर हम लोग को टिप्पणी करना हो ये हम नहीं समझते। जदयू ने हमने तो अपने आपको कहा ना कि धर्मनिरपेक्षता राष्ट्र है, सबों का अधिकार है, हम लोग इस पर क्या जिन जो पूछ रहे हैं उनसे पूछिएगा। लेकिन साफ क्लियर है कि हम लोग जो है हमारे यहाँ सब लोग आए सब लोग जाएं, उससे कोई अति नहीं। मैं अगला क्या बोल रहा है उसकी बात नहीं कर रही, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड क्या कर रही है ये बात देखिए। तो इसमें विपक्षी एकता हो रही है, इसमें आश्चर्य करने की क्या बात है, ये तो और खुशी की बात है ना, हमारे लिए भी तो गर्व की बात है। हमारे नेता जब संकल्प लिए हैं भाजपा हटाओ देश बचाओ, जो इतिहास जो बदलना चाहती है भाजपा, जो लोकतंत्र जो आज उसको कुचला जा रहा है लोकतंत्र को, तो ये तो अच्छी बात नहीं है।
लोकतंत्र बचाने के लिए, इतिहास को जो बदला जा रहा है उसको बचाने के लिए जो हमारे नेता लगे हैं वो सब लोग का साथ मिलेगा। फर्जी राष्ट्रवाद के खिलाफ ये चल रहा है, जाइए नहीं तो संकल्प ही हमारे नेता लिए, समझे, संकल्प लिए। आप थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ रिजल्ट जो है ना, जो और वो लोग भी समझ रहे हैं, भाजपा के लोग भी समझ रहे हैं, क्यों हताश है, उन लोग से पूछिए ना काहे में चली। बीजेपी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष प्रभात चौधरी सासाराम गए हैं, वहाँ बीजेपी महाधरना दे रही है, वहीं पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद गिरफ्तारी हो रही है, हुई है, उनका साफ कहना है कि राजनीतिक गिरफ्तारी है, उनका कोई आरोप नहीं था राजनीतिक दलों में। हमारी सरकार न किसी को फंसाती है और न किसी को बचाती है, आप जानते हैं आप सभी कि माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश जी के जो नेतृत्व में जो सरकार चल रही है न्याय के साथ समावेशिक विकास, और उन्होंने आज तक इससे कोई समझौता नहीं किया, कोई भी लोग हो उसमें तहकीकात होती है और तहकीकात के बाद उस पर कार्रवाई होती है, जब जिनका नाम आता है तो उसमें प्रशासन उसको देख रहा है, प्रशासन देख रही है और उसमें काम कर रही है और प्रशासन का काम है, और भी जो लोग कुछ लोग बोलते हैं तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो लोगों के बोली पर हम लोग को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जो अगला क्या बोलते हैं इसे न काहे धरना दे रहे हैं इसे, वो लोग जाने, उन लोग को तो कोई काम है ही नहीं, काम रहता तो कब की बात करते, विकास की बात करते, कभी कभी तो विकास उकास से तो कभी समझौता रखते नहीं, समझौता करते नहीं, हो लगातार वो समाज और देश को बांटने ही में लगे हुए हैं, लोग को भरमाने में ही लगे हुए हैं। फसाया गया है, एक महीने के बाद गिरफ्तारी हुई है, उसमें तो जांच हुई है ना सामने से, उसमें तो जांच हुई है, जांच के बाद ही हमने कहा ना कि जांच प्रशासन जांच करते है, पुलिस प्रशासन जो है उसको जांच करती है, जांच में सिर्फ वो सिर्फ माननीय विधायक का ही नाम क्यों लेते, और लोग भी हैं, और जो अगला आदमी उसके बारे में क्यों नहीं बोलते, और भी आदमी पता करिए कि और उनके साथ कौन है, तो प्रशासन जांच करती है, जांच के बाद जो उस पर कार्रवाई करती है एक्शन लिया जाता है। अरे कुछ भी राजनीतिक किया जा रहा है, समझे, और आपने कहा गोवा के मुख्यमंत्री जी के, गोवा के मुख्यमंत्री जी को बोलने से पहले कम से कम उनके वहाँ से यहाँ जो महामहिम राज्यपाल जी हैं उनसे भी तो कम से कम वो बात कर लिया करते हैं, उनको जानकारी वहाँ से ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछ लेते कि बिहार में क्या है, बिहार की क्या स्थिति है, समझे, सिर्फ जो उन्होंने जो बोला वो शोभनीय निंदनीय, जितना हम उसका भाषण करें जितना बोले हम क्या कर सकते हैं, इतना अशोभनीय बात, समझे, क्यों भाजपा क्यों चुप लगाए, बिहार के मान सम्मान की बात है, भाजपा क्यों चुप हो गई, भाजपा को इस पर आवाज उठाना चाहिए। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।